Welcome to Learn Commerce PU Online Classes. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates. प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम पीयूसी हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। कुंभ का रिश्ता कहानी में पिछले दो कक्षाओं में हमने देखा किस प्रकार से वीर जी की सगाई की तैयारी हो रही है और मंगलसेन को अपने हैसियत पर क्यों नाज है, मंगलसेन किस प्रकार का सपना देख रहा है और रसोई घर में किस बात की बहस चल रही है। और वहां पर हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से बाबूजी ने मंगलसेन को डांटा क्योंकि उसने 6 महीने से किराया नहीं वसूला है। उसके बाद उसे समझा भी देते हैं कि मंगलसेन को सब कुछ सीखना है क्योंकि बाबूजी के गैर मौजूदगी में उसे ही सारा काम संभालना है। तो आगे देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। मैं आज ही किराया ले आऊंगा बाबूजी, ना देगा तो जाएगा कहाँ, मेरा भी नाम मंगलसेन है। क्योंकि अभी जैसे पहले थप्पड़ की बात सुनी थी मंगलसेन ने, तो उसके जो गाल हिलने लगा था जैसे थप्पड़ पड़ा ही होगा, लेकिन अभी जैसे ही बाबूजी ने अच्छे से उसे समझाया तो वापस से वो छेकने लगा और कहने लगा, देखो मैं अभी कल ही जाऊंगा और वो किराया वसूल कर लाऊंगा, मेरा नाम भी मंगलसेन है। मुझे कभी बाहर जाना पड़ा तो तुम ही तो काम संभालना है, नौकर भी किसी को कमाकर नहीं खिलाते, जमीन जायदाद का काम करना हो तो सुस्ती से काम नहीं चलता, कुछ हिम्मत से काम लिया करो। तो बाबूजी वापस मंगलसेन को ये समझाते हैं कि सुस्ती मतलब आलसीपन से काम नहीं चलेगा, अगर मैं कहीं बाहर चला जाऊंगा तो ये सारा काम तुम्हें ही तो संभालना है, तो सुस्ती मत करो, अच्छे से काम संभालो, ये सारा काम अच्छे से वक्त पर किया करो। मंगलसेन के बदन में झुरझुरी हुए कंपन हुआ, दिल में ऐसा हुलास उठा कि जी चाहा पगड़ी उतारकर बाबूजी के कदमों पर रख दे। हुमक कर बोला, चिंता ना करो जी, मेरे होते हुए यहाँ चिड़ी फड़क जाए तो क्या कहना, डर किस बात का, मैंने लाम देखी है बाबूजी, बरसे की लड़ाई में कप्तान रिस्कन था हमारा। कहने लगा, देखो मंगलसेन हमारे शराब की बोतल लॉरी में रह गया है, हमें चाहिए, उधर मशीन गन चल रही थी, मैंने कहा अभी लो साहब, और अकेले ही मैं वहां से बोतल निकाल लाया, ऐसी क्या बात है। तो अभी मंगलसेन के जो खून है उसमें हरारत आ गई, अभी तक एकदम ठंडा पड़ गया था बाबूजी की डांट सुनकर, लेकिन जैसे ही बाबूजी ने ठीक से आराम से समझाने लगे तो वापस से वो चेकने लगा और वो अपनी जब फौज में था वो बात कहने लगा, जब वो लाम मतलब युद्ध देखा है, उस युद्ध में उनका कप्तान था रिस्कन, जब वो वहाँ पर तैनात थे और उन्हें शराब की बोतल चाहिए होते, वो वहाँ पर दूसरे गाड़ी में था और वहाँ पर सामने से मशीन गन चल रहा था, लेकिन फिर भी मंगलसेन कहते उन मशीन गन के गोलियों से बिना डरे वो दौड़ते हुए वहां से शराब का बोतल ले आता है। मतलब वो ये बता रहे कि वो कितना हिम्मत वाला है और वो कुछ भी काम कर सकता है, ये बात कहने लगता है। मंगलसेन फिर चेकने लगा, मनोरमा मुस्कुराई और कनकियों से अपनी बाई की ओर देखकर धीमे से बोली, चाचा जी की दुम फिर हिलने लगी। मनोरमा बड़ी शरारती है, अभी तक चाचा मंगलसेन चुप बैठा था, जैसे ही बाबूजी उसे समझा रहे थे तो वापस से ये मंगलसेन का चहकना बातें करना शुरू हो गया। तो मनोरमा धीरे से अपने भाई से कहते, देखो चाचा जी का दुम फिर से हिलने लगा, यानी देखो चाचा जी फिर से अपने असली इस पे आ गए, असली जो रंग है उनका वापस दिखाने लगे। मंगलसेन काना खा चुका था, उठता हुआ हंसकर बोला, तो 4 बजे चलेंगे ना सगाई डलवाने। मंगलसेन का खाना हो गया, जैसे उठ रहा था वो बाबूजी से कहता, 4 बजे जाएंगे ना सगाई डलवाने, मैं तैयार हो जाऊं ना, तू जा अपना काम देख, जो जरूरत हुई तो तुम्हें बुला लेंगे। बाबूजी बोले तू जाके चले जा यहां से, खाना हो गया ना, जा अगर तुम्हारी जरूरत होगी तो हम बुला लेंगे। चाचा मंगलसेन का दिल धक से रह गया क्योंकि एकदम से उसको एक ऐसा हो रहा था, दिल का दौरा ही पड़ गया क्योंकि वो सगाई के लिए इतना सारा सपना देख रहा था। पहले से हमने देखा, पहले ही उसने सपना देख लिया था समधियों के घर में उसकी आवभगत की, लेकिन अभी बाबूजी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, अगर जरूरत होगी तो तुम आप बुला लेंगे।
तो उसका जो दिल है एकदम से बैठ गया। संतु शायद ठीक ही कहता था, मुझे नहीं ले चलेंगे। अभी उसे लगा संतु तो शायद ठीक बोल रहा था, वो बोल रहा था चाचा जी तुम्हें सगाई में नहीं ले जाएंगे। शायद संतु ठीक ही कह रहा था, मुझे अभी ये लोग सगाई में नहीं ले जाएंगे। फिर उसे रुलाई सी आई, मगर फिर चुपचाप उठ खड़ा हुआ, बाहर जाकर जूते पहनी, छड़ी उठाई और झूलते हुए सीढ़ियों की ओर जाने लगा। उसे रोने जैसा हो गया, क्योंकि उसने कितना सपना देखे था ये सगाई में जाने का, लेकिन अभी बाबूजी बोल रहे कि देखेंगे जब जाना होगा तो बुलाएंगे। तो मंगलसेन को रुलाई अंग रोना सा आ गया, फिर कुछ कर भी नहीं सकता था। वो उठा, अपनी छड़ी उठाई, धीरे से बाहर आए रसोई से, अपने जूते पहने और धीरे से सीढ़ियां चढ़ने लगा। वीर जी का चेहरा क्रोध और लज्जा से तमतमा उठा। मनोरमा को डर लगा कि बात और बिगड़ेगी, वीर जी कहीं बाबूजी से ना उलझ बैठे। माँ जी को भी बुरा लगा, धीमे से कहने लगी, देखो जी नौकर के सामने मंगलसेन की इज्जत आबरू का तो कुछ ख्याल किया करो, आखिर तो खून का रिश्ता है, कुछ तो मुंह मुलाहिज रखो, दिन भर आपका काम करता है। तो वहां पर वीर जी को भी गुस्सा था, क्योंकि मंगलसेन का अपमान किया बाबूजी ने, और मनोरमा को भी डर लग रहा था सगाई का दिन है, कहीं वीर जी अपने पिताजी से उलझ ना बैठे। साथ ही साथ माँ जी को भी बुरा लगा था मंगलसेन के साथ बाबूजी ने किस प्रकार से व्यवहार किया, और वो अपने पति को समझाती है कि देखो जी मंगलसेन की ऐसी अपमान मत करो, कम से कम जो नौकर है उनके सामने तो उनकी इज्जत का ख्याल करो, वैसे तो खून का रिश्ता है हमारा उनके साथ। मैंने उसे क्या कहा है, बाबूजी ने हैरान होकर पूछा। बाबूजी ने डांटा तो था, लेकिन अभी वो थोड़ा बहुत गुस्से में, तो मैंने क्या कहा उसे, यूं रुखाई के साथ नहीं बोलते, वो क्या सोचता होगा, इस तरह बेआबरू किसी को नहीं करते। तो पत्नी समझाती है कि अच्छा नहीं लगता ना सभी के सामने, और नौकर के सामने भी आपने उसका इतना अपमान किया तो कैसा लगता होगा, उसे बेइज्जती महसूस होती होगी ना। क्या बक रही हो, मैंने उसे क्या कहा है, बाबूजी बोले। फिर सहसा वीर जी की ओर घूर कर कहने लगे, अब तू बोल भाई क्या कहता है, कोई काम ढंग से करने देगा या नहीं। तो बाबूजी चिढ़ जाते अपनी पत्नी पर, मैंने क्या बोला उसे, तुम चुप रहो, और अपने बेटे के ओर देख करके, क्या भाई अभी तू बोल कैसे होगी सगाई, कुछ काम ढंग से करने देगा या तू नहीं। मैंने कह दिया पिताजी आप अकेले जाइए और 125 रुपए लेकर सगाई डलवा लाइए। तो वीर जी अपने ही जिद पर अड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि मैंने कह दिया मतलब कह दिया, आप अकेले जाइए और 125 रुपए शगुन का लेकर सगाई डलवा लाइए। रसोई में चुप्पी छा गई, इस समस्या का कोई हल नजर नहीं आ रहा था। वीर जी टस से मस नहीं हो रहे थे, टस से मस होना एक मुहावरा है, मतलब एक ही बात पर अड़े रहना, टस से मस होना एक मुहावरा है, इसका अर्थ है एक ही बात पर अड़े रहना। वीर जी कौन सी बात पर अड़े हुए थे, वो इसी बात पर अड़े हुए थे कि सगाई डलवाने सिर्फ बाबूजी जाएंगे और सिर्फ 125 रुपए लेकर सगाई डलवा लाएंगे। तो ये बात यहाँ पर खत्म होती नजर नहीं आ रही थी, इसलिए रसोई में एकदम चुप्पी छा गई। सासा बाबूजी ने सिर पर से पगड़ी उतारी और सिर आगे झुकाकर बोले, कुछ तो इन सफेद बालों का ख्याल कर, क्यों हमें रुसवा करता है। अभी बाबूजी को अपने बेटे के सामने झुकना ही पड़ा और उन्होंने अपनी पगड़ी उतार दी। पगड़ी उतारना मतलब अपनी इज्जत सामने वाले के पैरों पर रखना। तो पगड़ी उतार कर बोला, बेटा मुझे रुसवा मतलब मुझे दूसरों के सामने अपमानित मत कर, ऐसा मत कर, मैं अकेले जाऊंगा तो समझी क्या सोचेंगे। वीर जी गुस्से में थे, चाचा मंगलसेन गरीब है इसलिए उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया जाता है, यह बात उसे खल रही थी। मगर जब बाबूजी ने पगड़ी उतार कर अपने सफेद बालों की दुहाई दी तो सहम गया। फिर भी सासा कहने लगा, यदि आप अकेले नहीं जाना चाहते तो चाचा जी को साथ ले जाइए, बस दो जने चले जाओ। अभी वो एक ही बात पर अड़ा हुआ था, जब चाचा जी ने अपने पगड़ी उतार कर बेटे के सामने रख दी तो उसने थोड़ी बहुत सोची, क्योंकि आप अकेले नहीं जाना चाहते तो चाचा जी को साथ में ले जाओ, लेकिन दो ही लोग, ज्यादा कोई नहीं। कौन से चाचा जी को, माँ जी ने पूछा, क्योंकि उनके घर में बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, बहुत सारे चाचा जी हैं, मामा जी हैं, तो कौन से चाचा जी को ले जाए। चाचा मंगलसेन को, कौन चाचा जी, मंगलसेन को ले जाइए। कोने में बैठे संतु ने भी हैरान होकर सिर उठाया। माँ जट से बोली, हाय हाय बेटा शुभ शुभ बोलो,
अपने राइस बायूं को छोड़कर इस मर्दूत को साथ ले जाए, सारा शहर तू तू करेगा। जैसे ही मंगलसेन का नाम लिया, संतू एकदम वहां पर रुक गए, क्योंकि उसने चाचा जी से शर्त लगाई हुई 2-2 रुपए की, उसे कभी वो कहां नहीं ले जाएंगे, सगाई में नहीं ले जाएंगे। और वो सोच भी रहा था कि मंगलसेन को वो सगाई में नहीं ले जाएंगे, लेकिन अब वीर जी कह रहे हैं सगाई में बाबूजी के साथ मंगलसेन भी जाएगा। तो संतू भी एकदम वहीं रुक गया। और साथ माँ कहती है, बेटा इतने सारे राइस, मतलब अमीर तुम्हारे चाचा लोग हैं, उन्हें छोड़कर इस मर्दूत को, इस बेरूपियों को कैसे ले जाए, ये मंगलसेन क्यों, दूसरा कोई चाचा को साथ में ले जाएंगे। माँ जी अभी तो आप कह रही थी खून का रिश्ता है, किधर गया खून का रिश्ता, चाचा जी गरीब है इसलिए। और बेटा कहता, माँ अभी तो आप कह रही थी मंगलसेन जी हमारे खून के रिश्तेदार है, उनकी अपमान नहीं करना चाहिए, अभी आप कह रहे हो उन्हें नहीं ले जाएंगे, अपने अमीर चाचा जी को ले जाएंगे, क्यों, वो गरीब है इसलिए आपको खून का रिश्ता का भी ख्याल नहीं रहा। मैं कब कहती हूँ यह ना जाए, यह भी जाए, लेकिन और भी समधी तो जाए, अपने धनी मानी समधियों को छोड़ दे और इस बहरियुपी को साथ ले जाए, क्या अच्छा लगेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मंगलसेन ना जाए, मंगलसेन भी जाए और धनी मानी जो राइस भाइया हैं तुम्हारे पिताजी की, वो भी साथ में जाए ना, मंगलसेन अकेला जाएगा तो क्या अच्छा लगेगा। तो फिर बाबूजी अकेले जाए, वीर जी परेशान होते, मैंने तो कहना था कह दिया, अब जो तुम्हारे मन में आए करो, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। और उठकर रसोई घर से बाहर चले गए। अब वीर जी इसी जिद पर अड़े हुए हैं, बाबूजी अकेले नहीं जाना चाहते तो चाचा मंगलसेन को साथ में ले जाए, अगर चाचा मंगलसेन को लेना नहीं चाहते, वो साथ में ले जाना नहीं चाहते तो बाबूजी अकेले जाए। वो कहते कि मैंने अपने बात कह दी, अब आपको जो करना है कर लीजिए, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं, ऐसा कहकर वो वहां से उठकर बाहर चले जाते हैं। बेटे के यूं जाने से रसोई घर में चुप्पी छा गई, माँ और बाप दोनों का मन खिन्न उठा। बेटा खाने के बीच में ऐसे बातें बहस हो गई, सगाई का दिन है उसी दिन बहस हो गया, और बेटा वहां से उठकर चला गया तो माँ बाप का मन उदास हो गया। ऐसा शुभ दिन हो बेटा घर पर आए और यूं तकरार होने लगे, माँ का दिल टूक टूक होने लगा। उधर बाबूजी का क्रोध बढ़ रहा था, उनका जी चाहता था कह दिए कि जा फिर मैं भी नहीं जाऊंगा, बेच दे जिसको बेचना चाहता है, मगर यह वक्त झगड़े को लंबा करने का नहीं था। तो यहाँ पर बाबूजी को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, वो अपने बेटे को बोलना चाहते मैं भी नहीं जाऊंगा, चल मैं अकेले क्यों जाऊँ, मैं भी नहीं जाऊंगा, किसको जाइए उसे बेच दे, लेकिन बाबूजी अभी नहीं चाहते थे, झगड़ा नहीं चाहते थे, इस बात को सुलझाना चाहते थे। सबसे पहले माँ ने हार मानी, कहा क्या बुरा कहता है, आजकल के लड़के माँ बाप के हजारों रुपया लुटा देते हैं, इसके विचार तो कितने ऊंचे हैं, यह तो 125 रुपए में सगाई करना चाहता है, तुम मंगलसेन को ही अपने साथ ले जाओ, अकेले जाने से तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ आप माँ समझौता कर लेती है, बेचारी माँ क्या कर सकती है, अभी बेटा भी नहीं मान रहा है, यहाँ पर अपने उसका पति यानी बेटे का बाप भी नहीं मान रहा है, तो माँ को यहाँ पर समझौता करना पड़ा। वो कहती है ठीक है रहने दीजिए, आजकल के बच्चे तो अपने शादियों में यूँ पैसे उड़ाते हैं, तो हमारे बेटे का तो कितना ऊंचा विचार है, वो सिर्फ 125 रुपए में लेकर शादी करवाना चाहते हैं, चलिए आप मंगलसेन को ही साथ ले जाइए, अकेले जाने से तो अच्छा है। बाबूजी बड़बड़ाए, बहुत बोले मगर आखिर चुप हो गए, बच्चों के आगे किस माँ बाप की चलती है, और चुपचाप उठकर अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर वो भी गुस्से में थे, बड़बड़ाए, लेकिन यहाँ पर लेखक कहते हैं माँ बच्चों के सामने माँ बाप की क्या चलती है ना, तो इसलिए वो भी बेटे के मात मान गए और बाबूजी वहां से चले गए। जा संतो, मंगलसेन को कहा तैयार हो जाए, माँ जी ने कहा, अभी संतो को बुलाकर कहती है जा मंगलसेन को बोलो वो तैयार हो जाए सगाई में जाने के लिए। मनोरमा चहक उठी और भागी हुई वीर जी को बताने चली गई कि बाबूजी मान गए, और वहां पर जो बैठी थी मनोरमा उसको पता चल गया कि बाबूजी मान गए मंगलसेन को साथ में ले जाने के लिए, और वो अपने भाई को इस विषय बताने के लिए वहां पर भाग गई। मंगलसेन को जब मालूम हुआ कि अकेला वही बाबूजी के साथ जाएगा तो कितनी ही देर तक वो कोठरी में उछलता और चक्कर लगाता रहा,
बदन का चटाक भरकूर फिर उछलने लगा। जी चाह कि संतु के उसे उसी वक्त शर्त के 2 रुपए रखवा ले, क्यों ना हो, आखिर मुझसे बड़ा समधी भी कौन है, मुझे ही ले जाएंगे तो किसे ले जाएंगे, मैं और बाबूजी ही इस घर के कर्ता धर्ता हैं और कौन। जितना ही अधिक वो इस बात पर सोचता उतना ही अधिक उसे बड़प्पन और विश्वास होने लगता। आखिर उसने कोने में रखी ट्रंक को खोला और कपड़े बदलने लगा। तो अभी मंगलसेन को वापस वही खुशी होने लगी और जो वो संतु से शर्त लगाया हुआ था उसे उसका मन किया कि वो शर्त के 2 रुपए अभी वहाँ पर रखवा ले और वो इतना खुश हो गए ये मानने लगा कि वीरजी से उससे बड़ा समधी और कोई नहीं है। वो इस बात का भी उसे घमंड हो गया कि बाबूजी के साथ वो अकेला जाने वाला है और वो धीरे से कमरे के कोने में रखे हुए ट्रंक मतलब लोहे की पेटी सूटकेस तो वो खोलता है अपने कपड़े बदलने के लिए। घंटा भर बाद जब मंगलसेन तैयार होकर आंगन में आया तो माँ जी का दिल बैठ गया क्योंकि माँ जी को एक हार्ट अटैक होने एक बाकी था, एक दिल का दौरा पड़ गया मंगलसेन को देखकर। जब वो एक घंटे भर के बाद मंगलसेन जिस प्रकार से तैयार होकर वहाँ आ गया उसे देखकर माँ जी का जो दिल का धड़कन एकदम बंद हो गया। माँ जी का दिल बैठ गया, यह सूरत लेकर समधियों के घर जाएगा। माँ जी ने सिर पर मंगलसेन ने सिर पर कागी पगड़ी, नीचे मैली कमीज के ऊपर खाकी फौजी कोट जिसके धागे निकले रहे थे, नीचे दारेदार पैजामा और मोटे मोटे काले बूट। माँ को रुलाई आ गई पर वह अवसर रोने का नहीं था, अपनी रुलाई को दबाते हुए वो आगे बढ़ गई क्योंकि जिस प्रकार से मंगलसेन तैयार होकर आया था माँ जी को रोना आ गया। वो ये सोचने लगी ऐसे अवतार में जाएंगे समधियों के घर जिस प्रकार से वो काकी पगड़ी है सर पर और एक पैजामा मैली कमीज पहनी हुई थी, उसको एक काला कोट, उसके भी तागे निकले हुए थे और बड़ी पुरानी बूट, ये सारे अवतार देखकर माँ को जैसा रोना आ गया था। उसे लगा था ये समधियों के घर ऐसे जाएंगे, ऐसे अवतार में जाएंगे। मनोरमा जा, भाई की अलमारी से एक धुला पैजामा निकालना, फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुंह करके बोली, सुनते हो जी, अपनी एक पगड़ी इधर भेज दो ना, मंगलसेन के पास रंग की पगड़ी नहीं है। अभी माँ को क्या था, मंगलसेन को ठीक तरह से तैयार करके वहाँ भेजना था, समधियों के घर भेजना था, इसलिए माँ जी ने क्या किया, मनोरमा को बुलाकर उसे कहने लगा कि माँ एक अपने भाई से एक अच्छा धुला हुआ पैजामा लेकर आओ, और बाबूजी को कहा, वो कमरे में बैठे थे, उसे आवाज़ दी और बोला, देखिए जी एक पगड़ी भेज दो क्योंकि मंगलसेन के पास कोई ढंग की पगड़ी नहीं है। मंगलसेन का कायकल्प होने लगा, मनोरमा पैजामा ले आई, संतु बूट पॉलिश करने लगा, आंगन में इन बीचों बीच एक कुर्सी पर मंगलसेन को बिठा दिया गया और परिवार के लोग उसके आसपास भाग दौड़ करने लगे। कहीं से मनोरमा की 2 सहेलियां भी आ पहुंची। मंगलसेन पहले से भी छोटा लग रहा था, नंगा सर दोनों हाथ घुटने के बीच में जोड़े और वो आगे झुककर बैठा था, बार बार उसे रोमांच हो रहा था। तो यहाँ पर जिस प्रकार से मंगलसेन सगाई के लिए तैयार होकर आया था उसे देखकर माँ को रोना आ गया, इस प्रकार से समधियों के घर जाएंगे तो उनका क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, इसलिए माँ जी उसे तैयार करने के लिए सोचती है और वो मनोरमा को बेचकर वीरजी का एक दुलावा पैजामा मंगवाती है और बाबूजी का एक अच्छा नया पगड़ी जो मंगवाती है क्योंकि यहाँ पर मंगलसेन वही काकी पगड़ी पहनकर आया हुआ है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। माँ जी बाबूजी का एक पगड़ी मंगवाती है और मंगलसेन वहाँ उसको ऐन आंगन के बीच में बिठाया जाता है। अभी उसका जो मेकओवर यानी उसका तैयारी हो रहा था क्योंकि समधियों के घर बाबूजी के साथ सिर्फ मंगलसेन जाने वाला था, इसलिए उसे अच्छी तरह से तैयार करके भेजना माँ जी की जिम्मेदारी थी, इसलिए उन्होंने उसे तैयारी करने लगे और वहाँ पर बैठकर संतु उसका जूता पॉलिश कर रहा था क्योंकि किसी भी प्रकार मंगलसेन को थोड़ी बहुत अच्छे ढंग से मतलब अच्छे दिखने जैसा करके बाबूजी के साथ भेजना है, इसलिए सब लोग मंगलसेन के आगे पीछे घूमने लगे क्योंकि यहाँ पर मनोरमा पैजामा उठा ला रही है, पगड़ी उठा के ला रही है, माँ जी उसकी तैयारी करने में लगी है, संतु वहाँ पर बूट पॉलिश कर रहा है। तो यहाँ पर समधियों के घर भेजने के लिए मंगलसेन को पूरी तैयारी सब लोग मिलकर कर रहे हैं। ये कहानी आज के लिए हम यहीं पर रोकते हैं, इसका अगला भाग हम अगली कक्षा में देखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर ऑल द अपडेट्स।